प्रयास जरा आप देखिएगा, एक एक विधायक को बुला के उन्होंने पूछा था। आपका दिग्विजय सिंह का नाम भी चर्चाओं में है कि आप लोग। देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रणनीति बनाओ, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह आपकी तरफ अब दिग्विजय सिंह से पूछिए, वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछ रहे? लोग कह रहे हैं, तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। योग्य मानते हैं? मेरा योग्य मानने योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। सर, लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस आला कमान की। अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता। मतलब ये भी कहा जाता है सचिन को रोकने के लिए सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन के साथ हुआ हो रहा है। सिंधिया के साथ क्या हुआ था यहाँ? मतलब जो बात, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ नई लीडरशिप को आगे नहीं आ रही थी। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो बैठ जाके मीटिंग में बैठ गए जहाँ मीटिंग थी। देखिए नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए, वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येडियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो इन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है? आप इस समस्या का हल कहाँ देखते हैं राजस्थान में जो हुआ वो चल रहा है? देखिए, मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल, भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ।